मुस्कुराइए आप नरसिंहपुर में हैं, ये स्लोगन या बड़ी बड़ी एलईडी लाइट से लिखा आई लव नरसिंहपुर। जैसे ही आप नरसिंहपुर शहर में प्रवेश करेंगे तो ऐसे कई जुमले देखने को मिलेंगे। ये तो तय है कि आप नरसिंहपुर में प्रवेश करते ही मुस्कुराएं या नहीं, लेकिन नाक बंद करने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर आप ये अंतर करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शहर है या कचरे का डंपिंग ग्राउंड। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराइए आप नरसिंहपुर में। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराइए और देखिए नरसिंहपुर की क्या हालत है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमारी पूरी पीबीसी भारत की टीम मॉर्निंग वॉक करती है और हम रोज इसी रास्ते से निकलते हैं और आप इस रास्ते का अंजाम, ये आज का नहीं है, ये रोज का यही है। ये कचरा इसी तरह से यहाँ होता है, कुछ पहले थोड़ा सा फेंका जाता है और फिर पूरे दिन भर में ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये तस्वीर केवल एक जगह की है, अमूमन पूरे शहर में यही हाल है, हर जगह यही तस्वीर आपको दिखाई देगी। इतना जबरदस्त कचरा, जबरदस्त गंदगी। केवल नरसिंहपुर नगर पालिका प्रशासन दीवालों में चित्र बनाता है और उसमें ये लिखता है स्वच्छता में नरसिंहपुर को नंबर एक बनाइए, इंदौर के समकक्ष खड़े हो जाइए, लेकिन यदि ये तस्वीर ये आते और नगर पालिका प्रशासन की यही रखते नहीं तो इंदौर के बराबर क्या कुछ परसेंटेज भी आप उसको नहीं पा सकते हैं, ये तय है। तो ये रिपोर्ट देखिए और तय करिए कि क्या कुछ कचरे की स्थिति यहाँ आपके द्वारा फैलाई जाती है और साफ आपके द्वारा नहीं किया जाता है, प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। तो आज ये बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि इस कचरे को निपटाने की जिम्मेदारी लेगा कौन। जिस जगह से शहर के यातायात को नियंत्रित किया जाता है ठीक वहीं कचरे का ढेर लगा रहता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। LIC और पुत्रीशाला के सामने आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि आप हैं कहाँ और शहर में कचरा है या कचरे में शहर। यहाँ के गोवंश की स्थिति, शहर के बीचों बीच है मुशरान पार्क जो आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। यकीन मानिए पार्क रोते हुए यही कहता होगा कि आखिर मैं पार्क बना ही क्यों, इससे बेहतर कचरा घर ही होता मैं, कम से कम नाम तो खराब ना होता। हमने पिछली रिपोर्ट में भी आपको दिखाया था कि CM राइज स्कूल के सामने किस तरह से गंदगी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ है। ऐसा लगता है मानो चीन की तर्ज पर कचरा भी अपनी विस्तारवादी नीतियों पर काम कर रहा है। CM राइज स्कूल की गंदगी पर शिकायत करने पर भी नगर पालिका प्रशासन नींद से नहीं जागा। ये मामला यहीं आकर नहीं रुकता है, कचरे ने अपने विस्तार को फैलाते हुए CM राइज स्कूल से सिंधी कॉलोनी, मंडी रोड और स्टेशन रोड को भी अपने आगोश में समेट लिया है। गया दत्त वार्ड के एक इलाके में तो इसने आम रोड पर भी अंतर खत्म कर दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गया दत्त वार्ड के गुरुदेव ऑटो डील के पीछे क्या स्थिति है। हमारे अपने शहर नरसिंहपुर में फैली गंदगी पर आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। ये जो तस्वीरें आपने इस रिपोर्ट में देखी हैं ये तो केवल एक वानगी थी, पूरे शहर में ही यही हाल है। अब देखने वाली बात है, पूरे शहर ने अपना अपना पार्षद चुन लिया है और जल्द ही अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा और नगर सरकार बनने के बाद ये तय भी हो जाएगा कि उन्हें करना क्या है। लेकिन चिंतन का विषय है मेरे लिए, आपके लिए और हम सबके लिए कि क्या ये जो गंदगी है इसको साफ करने की जिम्मेदारी या जवाबदारी केवल प्रशासन की है। आखिर कचरा हमने फैलाया है तो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस कचरे को, इस गंदगी को हम कतई दूर नहीं कर पाएंगे। अपने पार्षद को और नगर पालिका के आने वाले अध्यक्ष को, नगर पालिका के कर्मचारियों को कहिए कि आपके इलाके में फैले हुए कचरे को व्यवस्थित ठिकाने लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दें और आवश्यक सामग्री जुटाएँ।
यदि ये नहीं सुनते हैं तो आप पत्र लिखिए, मांग करिए, तो भी नहीं सुनते हैं तो जोर से आवाज़ करके उन्हें ये याद दिलाइए कि आपने उन्हें इसी काम के लिए चुना है। और आखिरी बात कि शहर आपका है, मिलकर इसे स्वच्छ रखिए। विक्रांत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, PBC भारत, नरसिंहपुर।